हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। क्लास ट्वेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है क्योंकि इसमें आने वाले मार्क्स डिसाइड करते हैं आपका फ्यूचर, आपका करियर। और हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं और कौन कौन से टॉपिक या फिर कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्लास ट्वेल्थ के लिए 2019 टू 2020 फॉर द बोर्ड ऑफ CBSE। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 40 मार्क्स का है और पार्ट बी भी 40 मार्क्स का है, यानी आपके पास दो बुक्स होंगी इकोनॉमिक्स की। पार्ट ए कहलाएगा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने डिमांड, सप्लाई और डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। अब आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों 12th का पार्ट होते थे, लेकिन अब 2018 से माइक्रो चला गया है क्लास 11th में और मैक्रो क्लास 12th में ही है। फिर जो सेकेंड बुक है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले ये क्लास 11th में पढ़ाई जाती थी, लेकिन 2018 से अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया है क्लास 12th में। तो ये आपकी सेकेंड बुक होगी जो कि होगी 40 मार्क्स की। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं और कितने मार्क्स के हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है वो है 10 मार्क्स का, यानी इस यूनिट्स में से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके एनुअल एग्जाम्स में, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें आप सीखोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जैसे गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, स्टॉक क्या है, और सर्कुलर फ्लो और ऑफ इनकम, यानी किस तरह से इनकम कंज्यूमर से लेकर प्रोड्यूसर तक जाती है और फिर किस तरह से गवर्नमेंट इंटरमीडिएट करती है थ्रू टैक्स एंड सब्सिडीज। उसके बाद फिर आप निकालोगे किस तरह से नेशनल इनकम फाइंड आउट की जाती है, जिसको हम बोलते हैं GDP। और GDP भी कई तरह की होती है, फैक्टर प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, एट्सेट्रा। तो वो सब आप सीखोगे इस वाले यूनिट में जो कि 10 मार्क्स आए। इसमें से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो फाइनल एग्जाम में जरूर आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मनी एंड बैंकिंग। इसमें आप सीखोगे कि मनी की सप्लाई क्या होती है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक है, यानी जो बैंक सिस्टम है, वो किस तरह से लोन देकर यानी क्रेडिट देकर जो मनी सप्लाई को बढ़ाता है। सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ोगे, ये क्या है, वो किस तरह से काम करता है, कैसे बैंक को कंट्रोल करता है, क्या क्या उसके पास टूल्स हैं जिसकी वजह से वो कंट्रोल करता है, जैसे कि CRR, बैंक रेट, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एट्सेट्रा। आपने न्यूज़ में भी कई बार सुना होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि हर 3 महीने में होती है, वो हर बार रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को या तो चेंज कर देती है या फिर एक जैसा बनाए रखती है, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होगे तो। तो इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इस चैप्टर में, जो कि है आपका मनी एंड बैंकिंग, और ये है आपका 6 मार्क्स का। फिर जो थर्ड यूनिट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें पढ़ोगे कि आप एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो क्लास 11th में आपने जो डिमांड पढ़ी थी वो पढ़ी थी एक कंज्यूमर की डिमांड, यहाँ पर आप एग्रीगेट डिमांड पढ़ोगे यानी पूरी इंडिया की डिमांड के बारे में पढ़ोगे। फिर इसमें पढ़ोगे आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट्स मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड, डिफिसिट डिमांड क्या होती है, मेजर टू करेक्ट दैम, यानी अगर डिमांड ज़्यादा हो किसी नेशन में तब क्या होता है, या फिर डिमांड कम हो जाए तब क्या हो जाएगा, जो कि रिसेशन या फिर इन्फ्लेशन से रिलेटेड होती है। और ये जो चैप्टर है वो है आपका 12 मार्क्स का। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें आप पढ़ोगे डिटेल में कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने पैसे इकट्ठा करती है, किन किन सोर्सेज से इकट्ठा करती है, वो किस तरह से उसको खर्च करती है, जिसमें पढ़ोगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। फिर जो रिसीप्ट्स हैं, यानी जो गवर्नमेंट रिसीव करती है वो कहाँ से रिसीव करती है और उसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, जैसे कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं, एक्सपेंडिचर क्या है यानी कहाँ कहाँ खर्चे करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा अकाउंटिंग में जो आपने पढ़ा होगा उससे थोड़ा सा अलग है, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है, अकाउंटिंग में जो आपने पढ़ा होगा वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो जब आप इस टॉपिक्स को पढ़ोगे डिटेल में समझ में आ जाएंगे। उसके बाद है मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, यानी जो सरकारी जो घाटा हो जाता है वो किस तरह का होता है, जो कि होता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इस सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। और ये जो चैप्टर है वो है आपका
6 मार्क्स का। फिर जो लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आप पढ़ोगे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बारे में, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट हो वो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है यानी किस रेट पर जो करेंसी रेट है वो डिसाइड होता है, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट एट्सेट्रा। यानी जब हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने पर कौन सी कंट्री ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, कौन सी कंट्री जाती है घाटे में, इस सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इस चैप्टर में। और ये जो चैप्टर है ये है आपका 6 मार्क्स का। उसके बाद जो आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है यानी सेकेंड बुक स्टार्ट होती है वो टोटली इंडियन इकोनॉमी के बारे में है कि किस तरह से इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक इसमें चेंजेस आए हैं, पॉलिसी वगैरह एट्सेट्रा। पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, आप इजीली इसको कवर कर लोगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अब वो चला गया 11th क्लास में, अब एटलीस्ट आपको थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी कि आपकी एक बुक तो कम से कम ऐसी है जो थ्योरिकल है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो इसका फर्स्ट यूनिट है यानी टोटल जो यूनिट नंबर है वो हो गया 6, लेकिन इस बुक का जो फर्स्ट यूनिट है वो यह है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1917 to 1990, यानी 1947 से 1990 तक किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट किया, और जो 1991 में रिफॉर्म्स लाए थे जिसको हम LPG के नाम से भी पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। जनरली इसमें वही सब फेजेस पढ़ाए जाएंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक में चेंजेस आए हैं, पहले किस तरह की इकोनॉमी थी और फिर बाद में किस तरह से चेंजेस हुए, क्यों वो चेंजेस लाए गए, यानी LPG के चेंजेस क्यों लाए गए। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका जो सेकेंड यूनिट है वो है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी है, जो हमारे गांव का डेवलपमेंट है वो किस तरह है, उसमें क्या क्या जो प्रॉब्लम है फेस करने पड़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हम अपनी जो इंडियन के सिटीजन्स है उसको किस तरह से एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोवाइड करते हैं एट्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट, कैसे रोजगार प्राप्त करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से जो अलग अलग जो डेवलपमेंट कार्य है यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड, रेलवे ट्रैक, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं कि जो हमारी करंट ज़रूरतें तो पूरी हो ही, साथ में जो हमारे फ्यूचर की ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सके, यानी डेवलपमेंट ऐसा हो कि जो इकोनॉमिक का जो नुकसान होता है वो ना हो, जंगल ना काटे जाएं, इस तरह से। तो ये सब पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, जो कि है आपका 22 मार्क्स का, यानी काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है और लास्ट यूनिट है इस बुक की वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी किस तरह से जो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है कि कंपैरिजन विद नेबर्स, यानी नेबर से कंपेयर करना, कि जो ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान है और इंडिया है वो एक उनको एक साथ फ्रीडम मिली थी, तो उन्होंने किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि इंडिया तो अब इतना डेवलप हो गया है लेकिन पाकिस्तान अभी भी पीछे ही है। और चाइना की बात करें तो चाइना ने भी जो लगभग डेवलपमेंट था वो साथ ही साथ स्टार्ट किया था पाकिस्तान और इंडिया के, तो उन्होंने ऐसा किया कि वो इतना आगे निकल गया। तो इन तीनों में कंपैरिजन आप पढ़ोगे और किसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई उसको आप डिटेल में देखोगे। तो इसी के साथ ये आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो कवर होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस है, क्या क्या इसमें इंक्लूड है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जो सिलेबस है अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।